हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रियास एकेडमी। आज मैं आपको हिंदी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाने वाली हूँ। सभी को मालूम है पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलने से क्या होता है करके, उसमें क्या आता है नाउन। बोलिए मेरे साथ ही बोलिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सबको इंग्लिश में मालूम है। हिंदी में इसका नहीं मालूम होगा, या फिर यह इंग्लिश हिंदी में मालूम होगा उसको लिंक हिंदी में क्या होता नहीं मालूम। तो मैं आपको दोनों को लिंक करके आज बताने वाली हूँ कि कैसे हम हिंदी को और इंग्लिश का ग्रामर एक साथ सीखें। ठीक है, आइए। मैंने पहले लिख के रखी है उसको, आपके सामने मैं बता रही हूँ। नाउन का मतलब हिंदी में संज्ञा, सबको हिंदी वाले को मालूम ही होगा कि संज्ञा क्या होता है, तो वो इंग्लिश में होता है नाउन। ठीक है, नाउन को बारे में क्या बोलते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, सब कुछ, क्या किसी भी चीज का, किसी भी विषय का या चीजों का नाम क्या होता है, नाउन होता है, तो उसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जस्ट प्रोनाउन। अभी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि गांधी जी के बारे में सोच लीजिए, तो मैं गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी तब जन्मे, गांधी जी का निधन इस टाइम पे हुआ, ऐसे बार बार उनका नाम हमने यूज करने से कुछ बद्दा जैसा लगता है। वैसे नहीं यूज करना चाहिए। कैसे यूज करना चाहिए, पहली बार, सिर्फ पहली बार गांधी जी के जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद उनका यहाँ, ऐसे वहां, ऐसे प्रयोग जब करेंगे तब हम क्या यूज करते हैं ग्रामर में, सर्वनाम। जैसे लड़का के लिए यह लड़की, सॉरी लड़का लड़की, बार बार हम लड़के लड़की का नाम नहीं लेते और उसका क्या बोलते हैं, उसका इसका ऐसा यूज करते हैं, वो सब क्या है, सर्वनाम। इंग्लिश में उसको प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन में क्या आता है इंग्लिश में, he, she, it, mine, वो सब आता है। ठीक है, ज्यादा ग्रामर में बीच में ज्यादा नहीं एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि इसका जब मैं डीप से लूंगी मैं तब आपको इसको उसका उदाहरण ज्यादा दूंगी। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा टच करूंगी क्योंकि सब कुछ समझाना है मैंने। ओके, इसके बाद आता है एडजेक्टिव। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, विशेषण। विशेषण का मतलब क्या है, विशेषण का मतलब है एडजेक्टिव, और इसका मतलब क्या है कि जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसको हम विशेषण बताते हैं। जैसे कि एक लड़का सुंदर है, तो लड़का क्या है, नाउन है, संज्ञा है, वो उसकी क्या क्वालिटी बता रहा है, वह लड़का सुंदर है। सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल क्या होता है, एडजेक्टिव। वो लड़का कैसा है, सुंदर है, वो सुंदर क्या है, विशेषण, इंग्लिश में ब्यूटीफुल एडजेक्टिव। ठीक है, आपको समझ आ गया नाउन, प्रोनाउन समझ आ गया, अगला एडजेक्टिव समझ आ गया, आइए वर्ब। क्रिया आप सब लोगों को मालूम है, क्रिया क्या होता है, वर्ब मतलब जो भी काम किया जाए किसी भी टेंस में, फ्यूचर टेंस में या हो, या प्रेजेंट टेंस में हो, या फिर भूतकाल, पास्ट टेंस, कुछ में भी हो, जब भी कोई भी चीज किया जाए, काम किया जाए, उसको हम क्रिया बोलते हैं, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। ठीक है, अब वर्ब का मतलब समझ गए, एक बच्चा बैठा है, खाता है, रोता है, खेलता है, ये सब क्या है, वो सब वर्ब है, वो सब क्रिया है। ठीक है, समझ आ गया आपको। इसको उन्होंने ग्रामर में 8 में डिवाइड किया, उसको हमें 4 में भी डिवाइड करके पढ़ा सकते हो, लेकिन मैं इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं पूरा सिखाऊंगी आपको। पहले ये 4 आपको समझ आ गया, नेक्स्ट जाए। ठीक है, एडवर्ब का मतलब क्या है, जैसे मैंने बताया था कि नाउन की क्वालिटी बताने वाले को एडजेक्टिव बोलते हैं, संज्ञा की क्वालिटी को बताने वाला विशेषण होता है, उसी तरह वर्ब की क्वालिटी बताने वाला एडवर्ब। जैसे एड है ना, ये वर्ब देखो, ये वर्ब ऐसे ही रिपीट आया वहां, तो एडवर्ब का मतलब क्या है कि जो क्वालिटी वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। वैसे हिंदी में क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, समझ आया, फिर बता रही हूँ, क्रिया की जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि एक लड़का जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, एक लड़का जल्दी जल्दी खाना खा रहा है, वो लड़का क्या है, नाउन है, क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, वो क्या है, खाना खा रहा है, ऐसे कर रहा है जल्दी जल्दी, मतलब क्रिया। वो लड़का क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, वर्ब आ गया, वो कैसे खा रहा है, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी का मतलब स्पीडली खा रहा है। ठीक है, समझ आ गया आपको, अच्छा समझ आ गया, तो ठीक है।
नहीं आया तो फिर मुझे कमेंट में करो, मैं आपको और फिर से एक बार भी इसको डालूंगी, नहीं तो वीडियो बार बार देखिए समझ आ जाएगा। ठीक है, हो गया। प्रपोशन, उसको हिंदी में संबंध बोधक बोलते हैं। संबंध बोधक किसी भी चीज का संबंध बताता है, जैसे कि एक सेंटेंस मेन सेंटेंस होता है, एक सब सेंटेंस होता है, इन दोनों को लिंक करने वाला शब्द को हम प्रपोशन या संबंध बोधक कहते हैं। जैसे कि एक बिल्ली टेबल पर बैठी है, एक बिल्ली टेबल पर बैठी है, ये पर होता है ना, पर वो आके प्रपोशन होता है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं द कैट इज ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द टेबल मीन्स ऊपर है, तो ऑन आके इंग्लिश में क्या हुआ, प्रपोशन, हिंदी में पर। ठीक है, बिलो द टेबल, टेबल के नीचे, और नीचे क्या हुआ, संबंध बोधक। समझ आ रहा है आपको, प्रपोशन बहुत अच्छा है सब्जेक्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रामर, इसलिए मैं आप लोगों को पहले मैं शुरू कर रही हूँ ग्रामर से शुरू करें। आज ये कंजक्शन, कंजक्शन क्या होता है, दो मेन वाक्य होंगे उनको लिंक करने वाला शब्द कंजक्शन, उसको हिंदी में समुच्चय बोधक बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, दो मेन सेंटेंस होंगे उनको लिंक करने वाला, जैसे कि और या इंग्लिश में एंड और फॉर एग्जाम्पल, मैं बाद में बताऊंगी जब बीच जाएंगे, मैं बीच में बताऊंगी। ठीक है, अभी अभी सारा एक सब बता दूंगी तो कन्फ्यूजन नहीं होना। ये कनेक्टिंग वर्ड है, दो मेन सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला शब्द कंजक्शन होता है, हिंदी में इसको समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन, इसमें आदि बोधक, इसको क्या बोलते हैं, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक जो वर्ड आता है ना, वो इसके अंदर आता है इंट्रोडक्शन। जैसे कि मैंने आज ताजमहल देखा तो मैं क्या बोली, क्या वाह कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल है, ऐसे करके बोलिए, और कितना सुंदर, जो मैं अपने फेस में डाल लाती हूँ वाव, वो शब्द यहाँ आएगा। इसमें यदि बोधक में खुशी के जो एक्सप्रेशन होते हैं, दुख के जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो सभी कुछ यहाँ आता है। हम बहुत लोगों को नहीं मालूम, जैसे मैंने तमिल में एक वीडियो में बताया था, आहा करके, हम आहा के लिए उन्होंने बताया था, ऐसे एक लड़का एक्सपोज करता है, वो उसका फीलिंग दिखा रहा है कि अच्छा है, वो भी एक विस्मय आदि बोधक है। आप मेरा वीडियो देखो, आपको समझ आएगा, तमिल में लिया मैंने, ये मैं हिंदी में ले रही हूँ, 500 स्विच तमिल में लिया, हिंदी में लिया। ठीक है, एक बार फिर आते, नाउन मीन्स संज्ञा, नेम ऑफ ए प्लेस, एनिमल, थिंग्स, किसी भी चीज का नाम हो, या जैसे कि अभी ये ताम्बर में ले रही हूँ, चेन्नई में मेरा है, इंडिया है, ये सब क्या है, ये सब नाउन है। प्रोनाउन, ये मेरा प्रयास अकेडमी है, मेरा आके क्या है, प्रोनाउन सरनाम। एडजेक्टिव, ये मैं बता रही हूँ प्रयास अकेडमी की क्वालिटीज बताऊंगी, तो वो आ गया विशेषण, मैं ऐसे समझा रही, समझ आ रहा आपको। ठीक है, वह जो हम करते हैं, जो भी काम हम करते हैं वो सब क्या है, क्रिया। ओके, एडवर्ब जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, जो एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। हाँ समझ आ गया, संज्ञा की जो क्वालिटीज बताती है, संज्ञा की क्वालिटीज बताने वाले को विशेषण कहते हैं। प्रोपोर्शन, दो सेंटेंस होते हैं, एक मेन होता है, एक कनेक्टेड होता है, लेकिन उस दोनों को कनेक्ट करने वाला शब्द क्या होता है, प्रोपोर्शन, संबंध बोधक। ठीक है, कंजक्शन में क्या होता है, दो मेन सेंटेंस होते हैं, बराबर इक्वल होते हैं, दो सेंटेंस दोनों बराबर होने पर ही और या बट आता है यहां देखिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन, मैंने बोला अपने फीलिंग्स को खुशी में भी या दुख में भी जो एक्सप्रेस करते हैं उन वर्डों को हम कहते हैं, उन शब्दों को इंट्रोडक्शन या विस्मय आदि बोधक। समझ आ गया, इसके बाद मैं इसको 8 दिन की क्लास लूंगी, एक एक दिन एक एक का डिसिप्लिन पूरा क्लियरली मैं एक्सप्लेन करूंगी, एक दिन एक पूरा ग्राम, जैसे कि संख्या उसके कितने भेद है वो समझाऊंगी। ठीक है, आपको समझ आएगा मेरे ख्याल से। मेरा वीडियो कैसा है, पसंद आया,